नमस्कार, मैं यूपीआई से रंजना भार्गव प्रस्तुत हूँ गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में एक लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है परशुराम से युद्ध में टूटा दांत। भगवान गणेश को एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। ये दांत किसने तोड़ा, उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी हुई है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। धन्यवाद।